हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन शर्मा एंड फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके बिजनेस को, और अभी जो करंट सिचुएशन है आईटीसी की, उसमें सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है उसके बारे में, और ये क्यों नया जैकपॉट है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस वीडियो। तो चलिए बात करते हैं आईटीसी के बारे में, बट अ स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर मूव ऑन। थोड़ा सा आईटीसी के बारे में पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्यों आईटीसी के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप पैसा लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन एंड इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो आईटीसी जो है, इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश किया गया था 1910 में बेंगलोर में। फिर बाद में एक और सेटअप किया गया, आईटीसी सेटअप इट्स पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस 1925 में। ये एक उनका एक और बिजनेस है, बाद में नाम चेंज कर दिया गया 1970 में। उसके बाद आईटीसी ग्रैंड चोला, जो कि आजकल फॉर्च्यून ग्रुप है, जो कि 3-4 स्टार होटल्स का जो ग्रुप है, उसको एस्टैब्लिश किया गया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर किया गया 1975 में। देन आईटीसी एंटर इनटू पेपर बोर्ड बिजनेस वाया प्रमोशन ऑफ आईटीसी पेपर बोर्ड लिमिटेड एंड दैट वॉज इन 1979। बाद में सूर्य नेपाल कंपनी सेटअप इन नेपाल 1985। बाद में एग्रीकल्चर जो एग्रो बिजनेस है इनका, उसमें एंटर किया गया 1990 में। लाइफस्टाइल जो उनका विल स्पोर्ट आपने सुना होगा, तो उन्होंने फिर कपड़ों की लाइन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में एंटर किया। आपने नोटिस किया होगा विल्स जो स्पोर्ट्स के जो कपड़े हैं वो एक नीच कैटेगरी को कैटर करते हैं, नॉट समथिंग लाइक फॉर द नॉर्मल कैटेगरी। उसके बाद आईटीसी एंटर इनटू ब्रांडेड पैकेजिंग फूड बिजनेस अंडर किचन एंड किचन्स ऑफ इंडिया रेडी टू ईट गवर्नमेंट डिशेज। आपने इसका नाम अभी प्रमोशन देखा होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसके बाद दे एंटर इनटू मार्केटिंग अगरबत्ती एंड सेफ्टी मैचेस एम ओके। और आईटीसी डाइवर्सिफाई इनटू पर्सनल केयर बिजनेस फियामा एसेंजर डिविलेस विवल, जो पर्सनल केयर है उसमें भी है। और अभी आईटीसी लॉन्चेस ऑनलाइन सेल ई चौपाल के नाम से, जहाँ पे एक डायरेक्ट एक जो है फार्मर अपने प्रोडक्ट बेच सकता है आईटीसी को ecopal.com के थ्रू ओके। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या ब्रांड केटर करता है आईटीसी। आशीर्वाद आटा आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट हर शॉप पे है। अभी जो अगरबत्ती की बात हुई थी, मंगलदीप अगरबत्ती है, बी नेचुरल, चामिश, गुमॉन, एंगेज, विवल, क्लासमेट जो स्टेशनरी बुक्स आती हैं, जो नोट पैड्स आते हैं स्टेशनरी ओके, आईटीसी मास्टर शेफ जिसमें आपके मसाले वगैरह चल रहे हैं, बिंगो, ये सारे के सारे ब्रांड। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है और बहुत बड़ी लिस्ट है आईटीसी की। तो ये छोटे से ब्रांड हैं जिनके एक ओवरव्यू है ब्रांड्स की, जो जो केटर करता है आईटीसी के अम्ब्रेला में। चलिए, लेकिन जो सबसे मेजर ब्रांड है वो है आईटीसी का सिगरेट ब्रांड। सिगरेट आईटीसी का 50% रेवेन्यू है और उसी के नाम से आईटीसी को जाना जाता है बेसिकली। तो सिगरेट कंट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ रेवेन्यू, लेकिन जहां 50% की कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की, उसके साथ में एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है, जानते हैं उसके बारे में। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि सिगरेट का बिजनेस क्या है हमारा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों है आगे चल के, करंट प्राइस भी अच्छा है, नीचे मिलेगा और भी अच्छा है, बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। पहली बात समझिए, इंडिया के अंदर ओनली 10% ऑफ लीगल टबैको इज कंज्यूम्ड। मतलब अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं तो सिर्फ 10 लोग लीगल सिगरेट पीते हैं, बाकी इलीगल। इलीगल क्या होती हैं, जो स्मगल्ड की गई हैं विदाउट पेइंग द टैक्सेस एंड ऑल, जो बर्मा के थ्रू आती हैं, बांग्लादेश के थ्रू आती हैं, जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू आती हैं, वो इलीगल सिगरेट्स हैं। एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर इलीगल सिगरेट्स। तो देखिए कितना बड़ा इलीगल मार्केट है हमारा, और सिर्फ 10% जो कंजम्पशन होती है, जिसमें से अगर हम टोटल माने तो 42% ऑफ इंडियन अडल्ट कंज्यूम टबैको। अडल्ट की बात कर रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन की बात मत कीजिएगा। जिसमें से 7% सिगरेट्स होती हैं, 14% बीड़ी होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता, एंड 30% यूज स्मोकलेस टबैको, जिसमें से ई सिगरेट्स और कुछ और चीज़ें बन गई हैं
उनमें से 30% कंज्यूम की जाती है। तो देखिए 40% 42 में से भी सिर्फ 7% सिगरेट्स पीते हैं। आगे बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लीगल कंजम्पशन है, अब 10% की बात करें, पूरा लीगल है, उसमें से जो आईटीसी का जो शेयर है वो जो है 4-5% का शेयर है। सो लीगल कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज गोइंग डाउन बाय ईयर ऑन ईयर रफली 4-5%। तो उसमें सब क्या हो रहा है, जो इलीगल सिगरेट के आने की वजह से वो हर साल उनका जो मार्केट शेयर गिर रहा है, और जो 10% है वो धीरे धीरे और कम हो रहा है। एंड इलीगल कंजम्पशन इज गोइंग अप रफली बाय 5-7%, मीन्स हर साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मगल सिगरेट हैं इंडियन मार्केट में एंटर कर रही हैं। इलीगल्स आर स्मगल सिगरेट इन इंडिया, दैट इज नो कस्टम ड्यूटीज पेड ऑन देम। ये जो जितने भी कंपनीज हैं, या हम बात करें सिर्फ आईटीसी की, ये सबसे बड़ा हिट लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन जो है वो इलीगल सिगरेट से हो जाता है। बाकी अगर हम लीगल्स की बात करें उसमें कॉम्पिटिशन में आईटीसी इज डूइंग बेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है। जो टबैको कंपनीज हैं या जो सिगरेट कंपनीज, वो कह रही हैं कि आप टैक्सेस मत बढ़ाइए, टैक्सेस बढ़ाने से हमारे ऊपर और ज़्यादा हिट हो रहा है, इलीगल सिगरेट और सस्ती मिलेंगी आप मार्केट में। लेकिन वो ऐसा ना करके टैक्स बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से और रेवेन्यू पे हिट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप टैक्स ना बढ़ा के जो स्मगल सिगरेट्स हैं उनको रोका जाएगा, देन यू दैट विल मेक सेंस कि हाँ आगे चल के इलीगल ब्रांड्स को रोक के और उसको कंटिन्यू करके हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और अपना आपका टैक्स मॉडल भी बढ़ेगा, हम ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, यू विल गेट मोर टैक्सेस। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब बार बार बात चल रही है इलीगल सिगरेट्स की और लीगल सिगरेट्स की। आप देख रहे हैं इसमें जो सिगरेट्स के ऊपर क्या मिल रहा है आपको, इतनी बड़ी जो सिचुएटरी वार्निंग है, और यहाँ देखिए एक भी वार्निंग नहीं है। एज पर इंडियन रेगुलेशंस, आज के टाइम में 85% या 75% का जो सिगरेट पैक होगा दैट शुड बी कवर्ड विद दैट स्मोकिंग किल्स और विद द रेस्ट ऑफ द अदर नोटिफिकेशन, या जो हम उसके ऊपर जो पिक्चर डिस्प्ले करके एक वार्निंग देना चाहते हैं दैट स्मोकिंग किल्स। लेकिन इलीगल सिगरेट्स के ऊपर ऐसा कोई वार्निंग नहीं होता है, और होता है छुपाने के लिए इतना छोटा होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपको आसानी से देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है। ये सारे ब्रांड देखिए, इनके ऊपर एक भी वार्निंग नहीं है। एक छोटा सा नीचे देख रहे हैं आप, सिर्फ यही वार्निंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स अभी मार्केट में हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इन मोस्ट ऑफ द ब्रांड दे डोंट इवन हैव दैट पिक्चर ऑफ दैट वार्निंग। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको समझने के लिए, क्यों इसको लोग लेते हैं। उनको लगता है कि इसके ऊपर वार्निंग नहीं है तो इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये उतना ही हार्मफुल है जितना लीगल सिगरेट्स हैं। लीगल सिगरेट्स में फिर भी कहूँगा कि दे आर कंपाइलिंग दी कंप्लाइंग दी दिस गवर्नमेंट रेगुलेशंस और जो भी रूल्स हैं। हो सकता है उसमें कुछ जो लेवल्स होता है निकोटीन का या जो भी सिगरेट्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ होती है, दैट माइट बीन कंट्रोल इन इलीगल सिगरेट्स में ज़्यादा ना हो, तो हो सकता है ये ज़्यादा नुकसान करती हों बजाय वो सिगरेट्स जो वार्निंग के साथ में आती हैं। सो प्लीज़ मेक दैट सेंसिबल डिसीजन। अच्छा, अब क्या हो गया है कि जो मैंने पहले बताया कि जो टैक्स मॉडल है उसको बढ़ाया जा रहा है बजाय जो इलीगल सिगरेट का इम्पोर्ट करके जो कंपनीज को हिट किया जा रहा है उसको कर्व करने का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एंटायर जो टबैको इंडस्ट्री है वो लॉसेस में जा रही है, और उसको ऊपर उठने के लिए अभी हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़े, ये है कि इलीगल कंजम्पशन कैसे बढ़ रही है। ठीक है, देखिए पहले 2004 में पर डे पर स्टिक की बात हो रही है, तब देखिए कैसे बढ़ती जा रही है इलीगल सिगरेट्स की। इन लास्ट 16 ईयर्स फ्रॉम 11 to 26 billion बढ़ गई है, विच मीन्स इलीगल सिगरेट मार्केट इज बूमिंग, जिससे आप फिगर्स भी देख सकते हैं। ये सारे फिगर्स हुए हैं गाइज जो मैंने किसी न किसी रिपोर्ट से पिक किए हैं, तो अगर कोई मिसमैच करे तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, दीज आर फिगर्स विच आई फाउंड ऑन इंटरनेट।
दीज आर द फिगर्स विच आई फाउंड ऑन थ्रू जो रिपोर्ट्स होती हैं या बैलेंस शीट होती है वहाँ से मैंने पिक किया है। अब यहाँ देखिए बात, अब उसकी बात आती है जब ग्रोथ की, तो ग्रोथ में वर्ल्ड टॉप 10 स्मोकिंग नेशन, इंडिया 7th प्लेस पे आता है, चाइना 1st पे आता है, रशिया, US, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी एंड देन इंडिया, विच मीन्स ह्यूज पोटेंशियल है इस मार्केट का, इस बिजनेस का आने वाले टाइम में। डेली पीपल आर ज्वाइनिंग दी स्मोकिंग कम्युनिटी और उसमें धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी इट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड मनी। अच्छा, अब बात करते हैं सिगरेट से हट के बात करें तो एक तो सिगरेट बिजनेस तो इनका हाई है, सिगरेट बिजनेस के बाद में इनका फूड एंड बेवरेज का बिजनेस है जिसमें आशीर्वाद है, डार्क फैंटेसी है, कुकीज़ हैं, ऑलराइट। पर्सनल केयर में इनके जेल्स हो गए, शावर जेल्स एंड फीएमआर डिविल्स के सोप्स हो गए। लाइफस्टाइल में विल्स लाइफस्टाइल है, एजुकेशन एंड स्टेशनरी है, और जो मैंने आपको बताया था कि अगरबत्ती जिसको इंसेंस स्टिक्स बोला जाता है और मैच स्टिक, तो एम उनकी मैच स्टिक और मंगलदीप और साध्वी उनकी अगरबत्ती ब्रांड है। उसके अलावा होटल इंडस्ट्री में भी है, पेपर बोर्ड एंड पेपर पैकेजिंग में भी है, एग्री बिजनेस में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है। अब FMCG की बात करें तो FMCG को ITC ने ही दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, हम नहीं कर रहे हैं, ITC ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो अपने टैक्सेस भी ऐसे ही पोस्ट करते हैं। उसमें से एक पार्ट वो है जिस पर जो सिगरेट बिजनेस है, दूसरा पार्ट वो है जिसमें एक सेक्शन आता है स्टेशनरीज का, जिसमें क्लासमेट नोटबुक, अगर आपने क्लासमेट नोटबुक देखा होगा ऑलमोस्ट हर शेल्फ पे आज के टाइम में क्लासमेट नोटबुक आपको दिखेगी और उसके ऊपर आपने छोटा सा ITC भी लिखा होगा। इफ यू गो बाय द डेटा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जनरेशन इंडिया के अंदर है एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्लासमेट नोटबुक इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि हर स्कूल जाने वाला बच्चा क्लासमेट नोटबुक की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड। ओके, उसके सेकंड, अब ऑफकोर्स रिलीजियस तो हम है ही, अगर आप जाके देखेंगे तो हर गली में हर शहर में रिलीजन के नाम पे और रिलीजियस होने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ब्रांड्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन जो एक चीज़ सबसे टॉप में रहती है वो है अगरबत्ती। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें वो शायद इतना मैटर ना करे, बट अगरबत्ती इज समथिंग विच इज़ होल्डिंग द टॉप लेवल इन रिलीजन। ओके, हम उसके में और बहुत सारी चीज़ जोड़ लेते हैं जो लग्जरी भी है, नॉन लग्जरी भी हैं, दिए भी आते हैं, मैच जो है कैंडल्स भी आती हैं, बट स्टिल आई वुड से अगरबत्ती आर कीपिंग द चार्ट अप। उसमें से मंगलदीप का एक बहुत बड़ा शेयर है और एम मैचस्टिक है। गारमेंट में मैंने बताया आपको विल्स लाइफस्टाइल है, फूड एंड बेवरेज में बिंगो है, सनफीस्ट है, येपी हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं। तो इनका जो है, अगर मैं पूरा पूरा टर्नओवर की बात करूं तो आशीर्वाद आटा अकेला 4500 करोड़ का पर एनम का टर्नओवर देता है टू ITC। सनफीस्ट जो बिस्किट आता है वो 3800 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग बता रहा हूँ, अप्रॉक्स हैं ये सारे गाइस, एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्स हैं। बिंगो टेढ़ा मेढ़ा क्या है, सिंपल एक स्नैक है, 2500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है। अब बात आते हैं क्लासमेट नोटबुक की, 1400 करोड़, ऐसी स्टेशनरी बिजनेस को मैंने इंक्लूड कर रहे हैं, लुक एट दी नंबर्स, 1400 करोड़ का बिजनेस प्रोवाइड करता है क्लासमेट नोटबुक्स। येपी 1100 करोड़, और बाकी जो हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो छोटे मर्जे से एम अगरबत्ती हो, एम हो गई या वो अगरबत्ती हो गई, माचिस हो गई, वो सब मिला के 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनका टर्नओवर है पर एनम का, ठीक है। अब होटल्स की बात करते हैं, होटल्स में कौन कौन से ब्रांड ओन करता है ITC, फॉर्च्यून ग्रुप, वेलकम होटल्स, ठीक है, वेलकम हेरिटेज एंड ITC होटल्स, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी को केटर करते हैं, जिसमें से एक नीश कैटेगरी भी है और इसमें से एक 3-स्टार कैटेगरी भी है जिसको हम फॉर्च्यून ग्रुप्स कहते हैं। आप जाएंगे फॉर्च्यून ग्रुप्स में, यू विल गेट समथिंग अराउंड 3000 to 6000 के आसपास के आपको पर नाइट के रूम्स मिलेंगे,
वहीं पे हेरिटेज, इसमें आपके पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, हवेलीज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ओके। एंड इफ़ यू गो टू वेलकम ग्रुप देन दे आर फाइव स्टार होटल्स। तो इन सब का अगर आप नोटिस करें तो जब भी कोई इवेंट होता है, राइट, आपके जो है जितने भी टूरिस्ट आते हैं, कोई इवेंट्स होता है, सारे के सारे होटल्स बुक रहते हैं। और ITC is one of the most preferred brand in terms of foreign delegations, in terms of any kind of events or something like that. तो एक अपना ITC और दूसरा ताज ग्रुप जो टाटा ओन करता है, इन दोनों का नाम हमेशा टॉप में रहता है because of their past. तो इस वजह से एक होटल ग्रुप भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ITC ग्रुप को। लेकिन ये अलग अलग नहीं होता है, ये सारा का सारा ITC के अंदर जाएगा, राइट, इट्स नॉट अलग अलग नहीं होगा, ITC होटल नहीं करेंगे, FMCG नहीं होगी, एक ब्रांड, एक अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, पेपर बोर्ड पैकेजिंग क्या है, ये पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं लॉट ऑफ दिस कंपनीज को, जो आप ये कार्टन्स देखते हैं या जो आपने जैसे टूथपेस्ट देखा, टूथपेस्ट के ऊपर जो पैकेजिंग आती है, पेपर बोर्ड्स आते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो क्या है, एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम एग्री बिजनेस की बात करते हैं, उसको शायद मैं नोट करना भूल गया, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर हेयर, राइट, जस्ट केम अ मिनट गाइस। हाँ तो चलिए, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, एग्री। एग्री बिजनेस क्या करता है, दे ओन्स द एग्री बिजनेस। आपके जो वीट, जो आशीर्वाद आटा बनता है, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पाइसेस आते हैं, अब जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो अपने होटल्स में जाती हैं, जो स्पाइसेस होते हैं जो होटल्स के अंदर जाते हैं उनके, क्या वो बाहर से लिए जाते हैं, नहीं, वो सब के सब यहीं पे प्रोड्यूस होती हैं इन हाउस। तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, दे डोंट हैव टू बाय फ्रॉम हेयर। आशीर्वाद आटा का उनको गेहूं कहीं और से खरीदना नहीं पड़ता, दे प्रोड्यूस इट एंड दे मेक इट वर्क, ठीक है। अब उन्होंने एक और बताया था मैंने आपको, ई चौपाल। ई चौपाल क्या है, ई चौपाल उनका एक वेबसाइट है, एक आईटी मॉडल है, जिसमें वो चाहते हैं कि कोई भी फार्मर बिना किसी मीडिएटर मैन के डायरेक्टली उनको अपना सामान बेच सकता है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो उनको सामान सस्ता मिलता है, और दूसरा फार्मर भी खुश रहता है बिकॉज ही इज गेटिंग द राइट प्राइस। तो अब नेक्स्ट टाइम उसका प्रीफर्ड जो बायर होगा, और प्रीफर्ड उसके जो सामान को बेचने वाला होगा द कस्टमर, वो ITC रहेगा, विच मीन्स दे विल नेवर गेट इन टू एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो। सो दिस इज द एंटायर बिजनेस ऑफ ITC। अभी करंट अगर ITC को बात करता हूँ, तो लेट मी जस्ट पुल अप द चार्ट ऑल्सो ऑफ ITC। आइए अब थोड़ा सा टेक्निकल की बात कर लें, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। देखिए टेक्निकल पे ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, क्योंकि इसके बाद में जो अगर सपोर्ट होगा तो वो तेजी के साथ में फिर जाएगा नीचे की तरफ, दैट विल बी अराउंड 10 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बाद में बड़ा सा फॉल आएगा जो उसको लेके जाएगा 150 तक। सो विच मीन्स अभी जो है 181 का प्राइस है, 181 के से अगर ब्रेक करता है देन 167 देन 150, सो आई डोंट थिंक सो इट विल ब्रेक दिस लेवल ऑफ 179, ओके। तो अगर करंटली अगर आपको बात करनी इसमें एंटर करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 177 या 176 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ तो 167 तक जाएगा, आप उसके नीचे बाय कर सकते हैं। और अगर वो ब्रेक हुआ तो 150 बेस्ट होगा, अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो आए नीचे आपके आके एवरेज आउट भी करते हैं। ये महीना थोड़ा प्रेशर में रहेगा, तो इस टाइम पे आप अगर इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे, एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए, तो आई वुड से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। आपने अभी 1000 का ले लिया, फिर 1000 का ले लिया, फिर 2000 का ले लिया, ओके, फिर 5000 का ले लिया, ऐसे कीजिए, फिर आप चाहें तो 1000 का फिर उठा लीजिए। तो 10,000 एक बार में पुश ना करके, अलग अलग करके उसको पुश करेंगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू होल्ड ऑन टू योर गुड प्रॉफिट्स। एंड इट्स द राइट टाइम टू एंटर। थोड़ा सा नीचे जाता है तो उसको
एक्यूमुलेट ज़्यादा कर सकते हैं, डबल अमाउंट ले लीजिए, अभी 2000 का ले लीजिए, नीचे जाएगा तो 4000 का ले लीजिए, ऑन जाएगा तो 8000 का ले लीजिए। इससे क्या होगा, एवरेज ऐसा हो जाएगा दैट यू विल गेट अ प्राइज कि अगर उसने हल्का सा भी पुश किया देन यू विल कम बैक इन टू योर प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर मनी, राइट। सो इफ इन केस गाइज यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट इफ यू लाइक द वीडियोज एंड डू लेट मी नो द कंटेंट एंड ऑल, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज, आई विल सी यू इन टू माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।